तो so, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर नंबर 179 जो कि जीएसटी रेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से जुड़ा सर्कुलर इशू किया गया है और इस सर्कुलर में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं अभी हम जो इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट वो है पॉइंट नंबर सेवन तो पॉइंट नंबर सेवन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम आगे कवर करेंगे तो पॉइंट नंबर सेवन बात करता है फ्लाई एश ब्रिक्स एंड एग्रीगेट जो आपकी नाइन्टी परसेंट वाली जो कंडीशन है इट विल अप्लाई ओनली टू फ्लाई एश एग्रीगेट्स एंड नॉट ऑन फ्लाई एश ब्रिक्स और ये कब से इफेक्टिव हो रहा है अट्ठारह ये इफ़ेक्टिव हो रही है जो ये नाइन्टी परसेंट वाली कंडीशन को हटाया गया है ओमिट कर हुआ जा रहा है वो हो रही है अट्ठारह जुलाई दो हज़ार बाईस से तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या लिखा गया है रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई थी सीकिंग क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेबल रेट क्या होगा फ्लाई एश ब्रिक्स पर एंड फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स पर तो यहाँ पे एज पर एंट्री एट सीरियल नंबर 176 बी ऑफ शेड्यूल टू द आइटम जिसका कि डिस्क्रिप्शन दिया गया है फ्लाई एश ब्रिक्स और फ्लाई एश एग्रीगेट विद नाइन्टी परसेंट और मोर फ्लाई एश कंटेंट अगर उसमें है तो फ्लाई एश ब्रॉक्स अट्रैक्ट करेंगे जीएसटी रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट तो ये मेंशन किया गया है ऑलरेडी शेड्यूल टू में कन्फ्यूज़न आ रही थी अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नाइन्टी परसेंट जो कंडीशन है ऑन फ्लाई एश एग्रीगेट्स पर एप्लीकेबल होगी या फ्लाई एश ब्रिक्स पर तो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जी एस टी काउंसिल जो कि ट्वेंटी थर्ड मीटिंग में रिकमेंड किया गया था जो नाइन्टी परसेंट वाली कंडीशन है कि नाइन्टी परसेंट और मोर फ्लाई एश कंटेंट होना चाहिए ओनली फॉर फ्लाई एश एग्रीगेट तो ये जो नाइन्टी परसेंट वाला जो कंडीशन है वो किस पर एप्लीकेबल है फ्लाई एश एग्रीगेट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट जो कंडीशन है नाइन्टी परसेंट वाली अप्लाई होगी ओनली टू द फ्लाई एश एग्रीगेट एंड नॉट टू फ्लाई एश ब्रिक्स एंड फ्लाई एश ब्लॉक्स विद इफेक्ट फ्रॉम एटीन जुलाई ये कंडीशन ओमिट कर दी गई है